कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। आज 17 फरवरी को सुबह वो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस बीच यूपी में कांग्रेस को झटका लग सकता है। अब तक माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन सपा से बगावत कर रहे पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस यात्रा में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव को लेकर संशय खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस ने अपना दल कमेरावादी के नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया और वो वाराणसी में राहुल गांधी के साथ नजर आए। ये दोनों नेता सपा मुखिया अखिलेश यादव से नाराज हैं और खुलकर अपनी बगावती तेवर दिखा चुके हैं। सूत्रों की माने तो इसके बाद अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होने के अपने फैसले पर विचार कर सकते हैं। ये लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं कि क्या अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित की जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में वो प्रवेश कर चुकी है और अगर अखिलेश यादव इसका समर्थन करते हैं, इस यात्रा में शामिल होते हैं, तो क्या कुछ तस्वीर होगी, वो सब आप देखेंगे R9 पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।